वेलकम फ्रेंड्स, चयनगढ़ के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप कुशल होंगे और कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और लाइव क्लासेज कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि स्थिति अभी ऐसी है कि आप घर बैठ कर ही स्वाध्याय करें, घर में बैठ के क्लास करें, ज़्यादा बेटर है आपके लिए। अभी भी जिन लोगों ने चयनगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले यूट्यूब पर जाइए, चयनगढ़ टाइप कीजिए, चयनगढ़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों के पास शेयर कीजिए, इसका लिंक शेयर कीजिए हम सभी अभ्यर्थियों से, जिनकी पहुँच यहाँ नहीं है चयनगढ़ के प्लेटफॉर्म पर, उनको जरूर भेजिए। और इतना ही नहीं, आप न्यूज इन शॉर्ट प्रोग्राम के तहत आपने क्या सीखा, क्या जाना, उसके बारे में कुछ जरूर कमेंट कीजिए। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। फीडबैक देने के लिए आप चयनगढ़ आईएएस पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। यहाँ देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल जारी किया गया है। ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप किसी भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या अन्य महत्वपूर्ण जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, मंडे एग्जामिनेशन, उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये खबर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको आज कवर किया है। दोस्तों चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, एक फिगर मैंने लगाया है, ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCERC। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ रविशंकर प्रसाद जी हैं, यहाँ इनको ध्यान देखिए, ये हमारे कानून मंत्री हैं। और यहाँ पर देखिए, इस पोर्टल को लागू करने का क्या कारण है, क्यों किया गया, इसके लिए आपको यहाँ पर वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और इतना ध्यान रखना है कि आप सिर्फ इस वीडियो को देखें ही नहीं, इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और आपको आपको ज़्यादा फायदा इसलिए होने वाला है क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि एग्जाम के टाइम में हम पूरा करंट एक साथ कवर करेंगे, गलत। आप रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर अगर इसको करते हैं डेली बेसिस पर, तो आपको आपका जो बर्डन है वो कम होगा, एग्जाम के समय प्रेशर कम होगा और रिवाइज भी कर सकेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डेली बेसिस पर आप इसको जरूर देखें। देखिए चर्चा में क्यों है, आते हैं, बात करते हैं हम। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसको NCSC बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना है, शॉर्ट फॉर्म इसका, ने इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल, ऑनलाइन गवर्नेंस मैनेजमेंट पोर्टल फॉर NCSC लॉन्च किया है। ये ज़्यादा आपको जानना है, पूछा जा सकता है किस मंत्रालय के साथ मिलकर किया गया है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY के साथ मिलकर ये काम किया गया है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये फिगर मैंने बनाया है, देखिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स का, इस कास्ट के बारे में। यहाँ देखिए, ये जो पोर्टल हमारे लॉन्च किए गए हैं, इस पोर्टल का मैंने फिगर आप ले लिया ताकि आप जान पाए। यहाँ पर जो यहाँ हमारे PM है, यहाँ पर देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड यहाँ कम्युनिकेशन के जो इन सारे प्रभार इनको मिले हुए रविशंकर प्रसाद जी को, तो ये यहाँ पर है। श्री विजय सांपला जी है, ये चेयरमैन है NCSC के, साथ ही साथ यहाँ यूनियन स्टेबल मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के यहाँ श्री रतनलाल कटारिया, इनका फोटो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंने दिखा दिया कि ये सभी मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। अब पोर्टल के बारे में जानते हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती जो हाल में 14 अप्रैल को मनाई गई है 2021 के अवसर पर यह पोर्टल लॉन्च किया गया है, क्योंकि जानते हैं जो महान व्यक्ति होते हैं उनके जन्म शती वर्ष पर हमेशा कोई ना कोई सरकार द्वारा कुछ ना कुछ पोर्टल लॉन्च किया जाता है उनके सम्मान में। तो यहाँ NCSC, क्योंकि दलितों के उत्थान के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए अंबेडकर जी ने बहुत सामाजिक योगदान दिया है, तो उनके सम्मान में पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल को भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा डिजाइन किया गया। ये भी पूछा जा सकता है किस संस्था द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यह संस्था इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित होता है, मतलब इससे क्या है, इनरोड संस्था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इस पोर्टल पर अनुसूचित जाति समुदाय के लोग देश के किसी भी हिस्से से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर जाके वो शिकायत करेंगे। यह पोर्टल क्या है, शिकायतों की ई फाइलिंग और उनके ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करेगा। जहाँ तक जानते हैं ट्रैकिंग मतलब कि कोई भी आप ऑर्डर करते हैं तो ट्रैकिंग आईडी दिया जाता है, ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है, यहाँ पर भी होगा, जैसे ही अपने शिकायत फाइल की उसकी ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करेगा कि शिकायत की औचित्य क्या है, कहाँ तक उसमें काम किया गया, कितने दिनों में आपका जो है निपटान हो पाएगा। यह भारत के ई कोर्ट प्रोजेक्ट के समान सुनवाई करेगा और समयबद्ध तरीके से अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों की शिकायतों का तीव्र निवारण करेगा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बार बार देखते हैं यह मामला आता है, सुनने में आता है कि ये जो है कई घटनाएं हुई और घटनाएं के बाद जो भी समय जो है समय सीमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो देर से न्याय न मिलना भी क्या है, अन्याय ही है,
कानून की नजर में, इसलिए इसका तीव्र निवारण करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। अब थोड़ा जानिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखना है, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत के द्वारा किया गया है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य देश में अनुसूचित जातियों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की जांच और निगरानी करने आधार रखना है, जांच और निगरानी करना है अगर कोई मामला हो तब। मूलतः संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का आह्वान करता है। बाद में 1995 के 65वें संविधान संशोधन नियम के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई। जाहिर सी बात है कि अगर आयोग की स्थापना होगी तो ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उसकी कार्य क्रियाकलापों में। पुनः 2003 के 89वें संविधान संशोधन नियम द्वारा इस राष्ट्रीय आयोग को दो भागों में कर दिया गया, तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338(a) के अंतर्गत नामक दो संस्थाएं, दो नए आयोग बना दिए गए। पहले था 338 के तहत जाति और जनजाति दोनों थे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, लेकिन बाद में इनको अलग कर दिया गया सुविधा के दृष्टिकोण से, और एक बहुत अच्छी पहल थी सरकार के द्वारा। तो आप ध्यान रखेंगे 338(a) अनुसूचित जनजाति आयोग है, ध्यान रखना है। आयोग की संरचना जानिए, आयोग में कौन कौन है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं तीन अन्य सदस्य होते हैं। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ देखिए ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। इसकी सेवा शर्त एवं कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रपति जो चाहे, चाहे जो भी क्रियाकलाप हो, जो भी यहाँ पर इनकी नियुक्ति संबंधी जो भी प्रावधान हो, उसके तहत इनका सिलेक्शन होता है। फिर यहाँ देखिए कार्य इनके क्या है। भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जाति के लोगों के सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मुद्दों की निगरानी और जांच करना, अगर कोई मामला आता है सरकार के उसको संज्ञान लेती है, आयोग संज्ञान लेता है, उस पर निगरानी और जांच करना इनका काम है। उन शिकायतों की पड़ताल करना जो अनुसूचित जाति के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से संबंधित है, मतलब उनके अधिकार और उनकी सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए उसकी जाँच करेगा यह आयोग। इतना ही नहीं, अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना बनाने में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना, मतलब केंद्र और राज्य सरकार जो भी कुछ नियम बनाएगी, चाहे जो भी कानून बनाएगी, उसमें उनको ध्यान रखना होगा कि अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक विकास, मतलब जो भी बनाए उनमें इनके विकास के लिए जरूर कुछ न कुछ योजना हो, ऐसा जो है सलाह इनके द्वारा दिया जाएगा। इसका ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके विकास के लिए अगर सरकार कोई भी पहल करने जा रही है तो आयोग उसको सलाह देगा कि हाँ आप ये कीजिए, इससे इनको ये फायदा है। इनके संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों एवं किए जा रहे कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या जब भी आवश्यक हो प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। मतलब राष्ट्रपति को बताना होगा कि आपने आयोग तो बना दिया, हमने इसमें क्या काम हुए हैं, इनके विकास के लिए क्या क्या आपने योजनाएं बनाई, कहाँ तक तर्कसंगत योजनाएं काम हुई, कहाँ तक कैनन हुआ, इनके बारे में सरकार राष्ट्रपति को बार बार प्रतिवेदन देना पड़ता है, जब भी वो जरूरी समझे, या साल में तो एक बार आपको देना ही है। अब एक प्रश्न इससे संबंधित है जो मैंने आपको कराया। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग वैधानिक निकाय है। दूसरा, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया है। राष्ट्रीय, तीसरा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है यह है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने ये है, ए केवल तीन, बी 1-2-3, सी 1-2 और डी केवल 2-3। आपके पास 10 सेकेंड है। देखिए आपने अभी हाल में आपको मैंने बताया, तो ज़्यादा देर करने की जरूरत नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आपने जो सही ऑप्शन है अपने दिमाग में मस्तिष्क में जरूर बैठा लिया होगा। तो आपके हिसाब से क्या आंसर बचे, अभी यहाँ पर तय करते हैं हम आंसर क्या है। इसका आंसर ए है, एक मतलब केवल तीन। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पर पिछला भी जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया गया था कि जब भी कोई भी आयोग जो राष्ट्रीय कोई भी आयोग हो तो वैधानिक नहीं संवैधानिक निकाय होता है, उतना ही। फिर यहाँ पर देखिए, हाल ही राष्ट्रीय जाति अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल की, आप देखिए हम जनजाति जानबूझ के यहाँ डाल दिए गए थे, जाति होगा, ठीक है। तीसरा सही है, क्योंकि जाति आयोग के अध्यक्ष चुनौती राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मैंने आपको बताया भी था, तो आपने सही जरूर किया होगा। ऐसी मैं आशा आपसे करूँ और करूँगा, क्यों नहीं। देखिए दोस्तों, तो आज का जो ये प्रोग्राम है यही पड़ा, मैं समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों, अभी भी जिन्होंने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए यार, जहाँ से जितना हो सके कमेंट भी कीजिए। कोई अगर दिक्कत हो आपको तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मैं तो इंतजार करता हूँ कि कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी स्टूडेंट तो प्रश्न करे, मैं उसका उत्तर दे पाऊँ। उसकी एक समय सीमा होगी, कोशिश करूँगा आपको सही समय पर आपको आंसर दिया जाए। तो दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम न्यूज इन शॉर्ट के माध्यम से जो था, एन सी
SC का जो पोर्टल लॉन्च हुआ है वो प्रोग्राम आज खत्म हुआ। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।